नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हवे तमे आ विषयना वीडियोस एक साथे पण जोई शको छो। तेना माटे वीडियो नीचे मारी चेनलनुं नाम छे, तो चेनलमां जई प्लेलिस्टमां जशो तो आ विषयना वीडियोस एक साथे जोई शकशो। तो विद्यार्थीओ, गया वीडियोमां आपणे शीख्या हता गुजराती धोरण 10 नो पाठ नंबर 20 विरल विभूति। आजना वीडियोमां आपणे आ पाठनो स्वाध्याय शीखीशुं। तो स्वाध्यायमां सौथी पहेला छे, नीचे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो। तो पहेलो छे, महात्मा गांधीजीना आध्यात्मिक मार्गदर्शक कोण हता? तो जवाब आवशे श्रीमद राजचंद्र। पछी बीजू छे, मनुष्य देह शाना जेवो छे? तो जवाब आवशे छास जेवो। पछीनो प्रश्न छे, श्रीमद राजचंद्रे लखेलो तत्वज्ञानथी भरपूर चिंतन ग्रंथ क्यो छे? तो जवाब आपशे मोक्ष माला। અને આ સિવાયના જો પરીક્ષામાં એમસીક્યુઝ પૂછાવાના હોય તો એ પૂછાઈ શકે। પ્રશ્ન છે, શ્રીમદની નિષ્ઠા કયા ધર્મમાં સ્થિર થઈ હતી? તો જવાબ છે જૈન ધર્મમાં। પછી છે, શ્રીમદ રાજચંદ્રનું જીવન એટલે? તો જવાબ આવશે આધ્યાત્મિક પ્રયોગવીરનું જીવન। ત્રણ નંબરનું છે, રાયચંદે બાળ વયે કોની પાસેથી કંઠી બંધાવી હતી? તો જવાબ આવશે रामदास साधु पासे थी। पछीनो छे, श्रीमदना सर्वोत्कृष्ट दर्शन ग्रंथनु नाम आपो? तो तेना दर्शन ग्रंथनु नाम छे श्री आत्म सिद्धि शास्त्र। पछी श्रीमदने मन देह शेनु साधन मात्र हतु? तो जवाब आवशे धर्म साधनानु। पछी ध्वनि स्वर श्रेणी, ध्वनि श्रेणी एटले के आपणे जे शब्द आप्यो होय एमांथी स्वर अने व्यंजन अलग करवा। पहलू छे राजचंद्र, तो तेने आपणे स्वर व्यंजन अलग करशु तो थशे र वत्ता आ वत्ता ज वत्ता अ वत्ता च वत्ता न वत्ता अ वत्ता द वत्ता र वत्ता अ। पछीनું છે સર્પ દંશ, તો તેને સંધિ આપણે ધ્વનિ શ્રેણી છૂટી પડશે સ વત્તા અ વત્તા ર વત્તા પ વત્તા અ वत्ता द वत्ता अन वत्ता श वत्ता अ। पछी छे तीर्थंकर, तो तेनी ध्वनि श्रेणी छूटी करशु तो थशे त वत्ता ई वत्ता र वत्ता थन वत्ता अ वत्ता थ वत्ता अन वत्ता क वत्ता अ वत्ता र अने वत्ता अ। पछीनो प्रश्न छे, एक एक वाक्यमां उत्तर लखो। तो पहेलो प्रश्न छे, सत्ताउधानी शक्ति एटले शुं? तो जवाब आवशे सत्ताउधानी शक्ति एटले एक साथे 100 वस्तुओ भूल विना क्रममां याद राखवानी शक्ति। पछीनो छे, मनुष्य आत्मा शाना जेवो छे? तो जवाब आवशे मनुष्य आत्मा घी जेवो छे। पछीनो प्रश्न छे, नीचेना प्रश्नना 2-3 वाक्योमां जवाब लखो। तो पहेलो प्रश्न छे, श्रीमद राजचंद्रनी स्मरण शक्ति असाधारण हती एम शा परथी कहेशो? तो जवाब आवशे श्रीमद राजचंद्रनी बुद्धि सतेज होवाने कारणे तेओ जे वाचता भणता भणावता ते बधु तेमने आपोआप याद रही जतु। सामान्य विद्यार्थीने 7 चोपड़ीनुं शिक्षण पूरु करता 7 वर्ष लागे, ए तेमणे માત્ર 2 વર્ષમાં પૂરું કરી નાખ્યું હતું। આ પરથી કહી શકાય કે શ્રીમદ રાજચંદ્રની સ્મરણ શક્તિ અસાધારણ હતી। 2 નંબરનું છે, શ્રીમદ રાજચંદ્રની જીવદયા અને કરુણા કયા પ્રસંગમાંથી પ્રગટ થાય છે? શ્રીમદના નાનપણનો એક પ્રસંગ છે, તેઓ નાના હતા ત્યારે દેવમાએ તેમને શાક સમારવા આપ્યું। શાક સુધારવા જતા તેમણે લીલી શાકભાજીમાં રહેલા જીવો જોયા। આ જોઈ તેમની આંખો ભરાઈ આવી। નાનપણથી જ તેમનામાં જીવદયા અને કરુણા હતા, એ તેમના આ પ્રસંગમાંથી પ્રગટ થાય છે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, કયા પ્રસંગથી ગાંધીજી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા? જવાબ છે શ્રીમદના કાકાજી સસરા ડોક્ટર મહેતાએ
गांधीजी ने श्रीमदनो ज्ञानी अने सत्तावधानी तरीके परिचय करायो। गांधीजीए तेमनु पारखु करवा माटे जुदी जुदी भाषाना केटलाक शब्दों लख्या अने ते शब्दों तेमने श्रीमदने वाची संभळाव्या। आ पछी श्रीमद सहज रीते एक पछी एक बधा शब्दों गांधीजी ने जे क्रममां लख्या हता ते क्रममां कही संभळाव्या। त्यारे गांधीजी एमनी सत्तावधानी शक्तिथी चकित थई गया। चार नंबर नो प्रश्न छे, गांधीजी नो श्रीमद साथेनो आध्यात्मिक संबंध समझावो। तो जवाब आवशे, गांधीजी नो श्रीमद साथेनो आध्यात्मिक संबंध ऊंडो हतो। श्रीमदनी स्मरण शक्ति, बहुळू शास्त्र ज्ञान अने शुद्ध चरित्र थी गांधीजी एवा प्रभावित थया के तेओ तेमना अनुरागी बनी गया। गांधीजीए स्वीकार्यु हतु के तेमने सौथी वधारे श्रीमदना जीवनमांथी ग्रहण कर्यु छे। गांधीजीए अध्यात्म अने धर्म संबंधी कोई मूंझवण होय तो तेओ तेमनी पासे रजू करता, तेमने प्रश्नों पण पूछता। आ बाबतमां गांधीजीने श्रीमदजी पासेथी योग्य समाधान अने मार्गदर्शन पण प्राप्त थतुं। श्रीमदजीनी प्रेरणाथी ज गांधीजीमां सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अभय वगैरे गुणों विकास पाम्या हता अने दृढ़ थया हता। गांधीजीए श्रीमदजीना श्री आत्मसिद्धि शास्त्रनु अंग्रेजीमां भाषांतर पण कर्यु हतुं। श्रीमद लिखित काव्य अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, आश्रम भजनावलीमां पण स्थान पाम्युं छे। आ दृष्टिए जोता एम कही शकाय छे के गांधीजीनो श्रीमद साथेनो आध्यात्मिक संबंध ऊंडो तो हतो ज, पण बन्ने एक बीजा साथे अंतरंगथी जोड़ायेला हता। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं स्वाध्याय पूर्ण थाय छे। आपणे आवता वीडियोमां नवो पाठ शीखीशुं।